अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मिस्टर मोहम्मद मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है एक बार फिर। पिछली क्लास में आपने देखा कि एक घर का नक्शा वो किस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें मैंने तमाम डिटेल बताई, रूम साइजेस, टॉयलेट और ओपन एरिया, लॉबी, इस टाइप के तमाम। लेकिन वर्किंग हमने करी थी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी हुई थी, तो इस वीडियो को शॉर्ट करेंगे। साथ ही अब मैं जो आपको एक के पास आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक लेआउट बना हुआ है। ऑलरेडी एक ऑफिस है जिसका साइज़ 30x तकरीबन 29 फिट है, 30.9 और 29.7, ये इसकी एक ऑफिस है। तकरीबन 4 महल का ये बन रहा है और ये एक प्लाजा है, इसका ये 4th या 5th फ्लोर है जिसकी हमने ये वर्किंग की है। इसके आप देख रहे होंगे विंडोज़ हैं, सारी 3 विंडोज़ हैं, बड़ी वाली तकरीबन 1 5 फुट 9 इंच की है, दूसरी 9 फुट 10 इंच की है, फिर 5 फुट 9 इंच की है। और इसी तरह राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो वॉल है एक वो ग्लास वॉल है। इसके ऊपर बीम तो पड़ा हुआ है ताकि उसकी सपोर्ट मिले, लेकिन पूरी एक सी थ्रू ग्लास वॉल है। तो इसके अंदर मैंने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सेटिंग की है। एक मैनेजर टेबल लगाया हुआ है हमने, साथ में 3 विजिटर्स चेयर रखी हैं। और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि स्टाफ होगा, जो बहुत लिमिटेड सा एक ऑफिस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये कह सकते हैं आप 4 से 5 लोगों का एक ऑफिस है स्टाफ का। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देखिए एक LED जो है वो हैंग करी हुई है, 4 वर्क स्टेशन हैं जिसका साइज़ मुख्तलिफ है। वैसे नॉर्मली तो ये तकरीबन 5x2 फिट का एक वर्क स्टेशन होता है, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस पर कोई भी साइज़ रख सकते हैं। और फिर देखिए कि सेंटर में मैंने एक मॉडल टेबल रखा हुआ है, एक टेबल है, ग्लास टेबल है, मॉडल टेबल, एक मॉडल टेबल है। इसके ऊपर एक मॉडल पड़ा हुआ है किसी भी, ये जो ऑफिस है जो हमने मैंने डिज़ाइन किया बेसिकली, ये एक इलेक्ट्रिक का एक बंदा है, इलेक्ट्रिक का इंजीनियर है, उसका ऑफिस डिज़ाइन किया है, जिसने इसके ऊपर एक मॉडल रखेगा, 3D मॉडल जिसे कहा जाता है। और इसी तरह देखिए एक साइड पे एक सोफा पड़ा हुआ है, उसके आगे एक ग्लास का जो टेबल है वो होगा, फिर उसके ऑपोजिट सामने 3 चेयर्स पड़ी होंगी फैंसी वाली। ओके, बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे एक आपको एक किचन नज़र आ रहा है, बहुत ही छोटा सा, इसमें वो बहुत ज़्यादा क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस है उसके अंदर रहते हुए, ये किचन का साइज़ है तकरीबन 5x6 फुट। ओके, फिर आप देखते हैं कि ये वाला एरिया, यहाँ पे स्टेज वाला एरिया नज़र आ रहा है, उसके बिल्कुल सामने लिफ्ट है। ओके, और यहाँ पे एक टॉयलेट है, ये वाला सारा एरिया आउटसाइड पे आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी स्पेस बन रही है, तकरीबन 7.5x7.5 फुट का एक क्यूबिकल सा बना हुआ है। मैंने उसको क्या किया, उसको एक छोटा सा मीटिंग रूम, यहाँ पे सिर्फ हमने एक स्लाइडिंग, जब मैं गया वहाँ पे साइट विजिट किया, मैंने वहाँ पे मेजरमेंट्स ली सारी, तो सिर्फ बाउंड्री थी और इसके अलावा अंदर से खाली था बिल्कुल हॉल, कोई ऐसी वैसी इसमें चीज़ नहीं नज़र आ रही जो कोई कॉलम हो, कोई इस टाइप की कोई चीज़, कोई ब्रिक, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हॉल बना हुआ है। यहाँ पे फिर मैंने ये किया कि इसको एक स्लाइड करके शीशे का पूरा एक फैंसी सा डोर लगा के स्लाइड वाला, और उसके अंदर एक छोटी सी टेबल होगी जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 फुट, आई थिंक 18 इंच है, 2 फुट इनफ होगी, और 4 चेयर्स होंगी। और इसके अंदर एक एसी लगा हुआ होगा, और इसी तरह स्टाफ के लिए यहाँ पे 2 AC लगाएं। ओके, ये तो आपने एक लेआउट देख लिया, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका 3D जो मैंने इसका इंटीरियर पे ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो इस पर टाइम टेकिंग ये चीज़ होती है, लेकिन मैंने पर्पज़ सिर्फ ये दिखाना होता है क्लाइंट को कि आपका 3D जो ऑफिस मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसकी लुक ये निकलेगी। हाँ, इंटीरियर में भी मज़ीद इसकी हम एक्यूरेसी ला सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे ये स्क्रीन पर भी आपको ये नज़र आ रहा है, ये मैंने अभी स्क्रीन ओपन करी है, ये देखिए ये इसका जो मैं ग्लास वॉल की मैं बात कर रहा था, पूरी एक ग्लास वॉल है, ये इसकी एक ग्लास वॉल है, नज़र आ रही होगी आपको। ओके, अगर मैं इसको आपका टॉप दिखाऊं तो टॉप का ये हमारा लेआउट है जो मैंने अभी आपको ब्रीफ कर दिया सारा। इसकी एंट्री पॉइंट यहीं से स्टेयर से ऊपर होते हुए ये मैं इसका मेन है एंट्री। तो ये देखिए, ये इसका मैंने एक 3D मॉडल क्रिएट किया। अगर मैं आपको इसका जो फ्रंट से, क्योंकि ये वो प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, इसके दोनों तरफ से आपको रोड्स नज़र आएंगी, और ये तकरीबन चौथा फ्लोर है इसका,
तो देखिए मैं आपको इसका भी इंटीरियर दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने कौन कौन सी ये चीज़ें अंदर प्लेस की हैं और किस तरीके से इसको मैंने मैनेज किया। देखिए जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, ये देखिए, ये देख, और जिस तरीके से आप अंदर एंटर होंगे जितना ही सिंपल वर्क होगा उतना ही बिल्डिंग की जो इसका इंटीरियर्स होगा वो खूबसूरत नज़र आएगा आपको। ओके, सबसे पहले मैं आपको, जैसे ही आप इंटर होंगे इस ऑफिस के अंदर, तो आपको यहाँ पे जो किचन वाला एरिया नज़र आएगा ये है, फिर जो स्टाफ जहाँ पे लोग बैठे हुए होंगे ये देखिए, तीन लोगों का मैंने सेटअप यहाँ पे वर्कस्टेशन डिज़ाइन किया है। ड्राइंग में लेआउट में 2D जो लेआउट था हमारा, उसमें मैंने चार लोगों की कैपेसिटी आपको मैंने दिखाई, लेकिन क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो चेंज होती रहती हैं। लेआउट कभी भी फाइनल नहीं होता अंटिल जब तक वो बैठ ना जाए आवाम, जो भी उनका ऑफिस स्टार्ट ना हो जाए, रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की चेंज होती रहती है। उस पे लेआउट पे ये ना टेंशन ना लें कि यार लेआउट चेंज होगा। खैर छोड़े, ये देखिए एक बड़ा ही खूबसूरत वर्क स्टेशन जिसमें तीन लोग बैठे हुए होंगे, अपनी वर्किंग कर रहे होंगे, उनके पीछे बैक साइड पे एक कैबिनेट होगी। ओके, और ये देखिए शेल्फ मैंने रखी हुई है यहाँ पे, और इसी तरह हम उसके जो बैक वॉल है उसका जो टेक्सचर है वो मैंने लाइनिंग में, वर्टिकल लाइनिंग में यूज किया। ओके, अब इसकी सीलिंग वर्क देखिए, वाइट सीलिंग होगी प्रॉपर, ये देखिए एग्जैक्टली। ओके, अब मैं चलता हूँ इस तरफ, ये देखिए यहाँ पे हमने एक कॉलम हमारे पास एक था सॉलिड जिसका हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने एक LED हैंग कर दी, और ठीक है इसी तरह हमने प्लांट्स का यूज़ किया। फिर जो मैंने लेआउट में आपको दिखाया कि एक जो मैनेजर टेबल उसके बिल्कुल सामने सात भी होंगे और उसके ऑपोजिट भी विजिटर्स चेयर्स होंगे, एग्जैक्टली इसी तरह ये देखिए, ये है जो CEO होगा या कंपनी का या इस ऑफिस का जो भी सीनियर होगा उसके लिए एक टेबल डिज़ाइन किया है हमने। और इसी तरह ये देखिए साइड वॉल जो आपको मैंने अभी कहा था ग्लास वाला सारी, ये यहाँ पे एक सोफा पड़ा होगा, उसके आगे ग्लास टेबल बड़ा खूबसूरती से प्लेस किया हुआ है। ओके, और ये हमारा एक सेंटर में एक मॉडल टेबल आ जाएगा जिसमें कस्टमर जो भी क्लाइंट आएगा उसको वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। तो ओके, अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ ये लाइट जो बिल्कुल उस टेबल के ऊपर हैंग होगी और बड़ी ही खूबसूरती से इसको प्लेस किया हुआ है। और ठीक है, इस तरह देखिए, अगर हम दूसरी तरफ मैं आपको इसका व्यू करवाऊँ, और जो एक कॉर्नर बना हुआ था क्यूबिकल 7x7 इंच का फिट का जो मैंने आपसे शेयर किया, आई गैस ये है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा है, ये देखिए। ओके, ये है इसका वो क्यूबिकल प्लेस जो बड़ी ही खूबसूरती से स्लाइड वाला डोर मैंने यूज़ किया, और उसको अंदर एक छोटा सा टेबल नज़र आपको आ रहा है, और इसके साथ में चार चेयर्स नज़र आ रही होंगी, और ये ग्लास जो आपको नज़र आ रहा है ये इसकी स्लाइडिंग डोर होगा। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेआउट इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ इसकी आपकी स्टडी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सब्सक्राइब M2R Design। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।